ये रिकॉर्डिंग सुनो वाहिगुरु, एक मिनट। हाँ, जय दरबारन के वनी पंजाबी गुरुद्वारन के भरे होता ना, वो तेकरी लाइन ता हरदम बुद्धि होती, राज करेगा खालसा बाकी रहे न कोई, ऐसा बुद्धि ना हो। ये आपने बोला वाहिगुरु, मैं आपको एक चीज बताना है आपको। ये स्टेटमेंट का अर्थ मालूम है क्या है भाई गुरु? ये स्टेटमेंट का अर्थ क्या है आपको मालूम है? कभी किसी ने बताया आपको कि कोई ग्रंथी जी से आपने बात किया, इसका स्टेटमेंट का अर्थ क्या है? ये किन्होंने बोला है, ये वचन किन्होंने बोला है? विक्की जी अभी थोड़ा सा कहीं बैठे हुए, एक सेकंड कंप्लीट कर रहे दो मेरे को। मैं आपको इसका वचन, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बुरा ना मानना। आप मेरे कोई दुश्मन नहीं हो भाई गुरु, बुरा ना मानना। नहीं, बुरा नहीं मानेंगे हम आपसे, बिल्कुल खुल के बात। एक सेकंड मेरे को कंप्लीट करने दो, सिर्फ एक सेकंड, ज्यादा नहीं, कुछ सेकंड लूंगा वाहिगुरु। राज करेगा खालसा आखी रहना कोई, बाकी नहीं, आखी रहना कोई, कुवार हुए सो रड़ेंगे, यानी जितने भी गलत लोग हैं वो लोग रड़ जाएंगे, बचे शरण जो होए, राज करेगा खालसा आखी रहना कोई। मतलब खालसा जो राज है वो शुद्धता का राज है। आज अपने इंडिया में 15 मिनट में एक रेप होता है, 15 मिनट में, और हम बोलते हैं भारत माता की जय। माताओं और बहनों के साथ रेप होता है लेकिन उसको जस्टिस नहीं मिलता है, ये अपना राज आज जो चल रहा है। और रही बात सनातन धर्म का वाहिगुरु, तो सनातन धर्म वही है जिनके लिए गुरु तेग बहादुर जी ने 11 नवंबर 1675 को शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में अपना शीश समर्पित कर दिए। टर्बन मांगे थे वाहिगुरु, लेकिन शीशी समर्पित कर दिए। किन के लिए? उन कश्मीरी पंडितों के लिए दिए। तो वाहिगुरु ये कभी आप दोबारा ना बोलो माइक में, मेरा रिक्वेस्ट है वाहिगुरु। आप मेरे कोई दुश्मन नहीं हो, या आप कोई औरंगजेब या कोई ये नहीं हो, लेकिन आप मेरा प्रोफाइल एक बार चेक कर लो वाहिगुरु, ठीक है? मेरा आप प्रोफाइल चेक कर लो, मैं औरंगजेब के कब्र में जाके ना मैं बेइज्जती करके निकला हूं बाहर। मैं किसी को गिनती में नहीं लेता, लेकिन ये जब मेरे पास रिकॉर्डिंग हाथ में आया ना आपका, आप मेरे को शायद रेवा से हो, राइट? मध्य प्रदेश रेवा से हो आप ना? आपने भाषण दिया खंडवा में, किधर? तो आपने ये भाषण दिया था, राइट? नहीं, खंडवा में नहीं दिया। ये कहां तो आपने भाषण दिया था, मेरे को याद नहीं आ रहा जगह का नाम, लेकिन मेरे पास आते हैं ऐसे क्लिप्स कोई, तो मेरा रिक्वेस्ट है वाहिगुरु नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करो। ये मेरे महाराज के वचन है, राज करेगा खालसा आखी रहना कोई, मतलब बाकी रहना कोई नहीं, आखी रहना कोई, उसका अर्थ बहुत अलग है वाहिगुरु। तो आप अर्थ को तोल मरोलो, कभी कभी करो ना वाहिगुरु, ठीक है? आपसे बात करके हमको बहुत खुशी हुई, बहुत बढ़िया वाहिगुरु, बहुत मुझे भी अच्छा लगा वाहिगुरु, बस इतना है। आप मेरे भाई हो वाहिगुरु, मेरे कोई दुश्मन नहीं हो, लेकिन इतना है कि आप हमको भाभी भाई बोल दो, हम तो आपको सर आंखों पे रखते हैं। जो फौज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए बनाई, पूरा विश्व उनको वाहिगुरु नमन करता है। एक बेनती और, एक छोटा सा बेनती और, खालसा पंथ खाली हिंदू के रक्षा के लिए नहीं है वाहिगुरु, वो पूरे मानवता के रक्षा के लिए, खाली हिंदू के लिए नहीं। अगर यही चीज औरंगजेब ने, अगर यही चीज कोई सनातन ने भी औरंगजेब के साथ किया होता ना, गलत क्रूरता, तो महाराज अपने भी शीश समर्पित कर देते। ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई धर्म नहीं। महाराज ने चार द्वार रखे। गोल्डन टेम्पल गए हो कभी आप? कभी आप गोल्डन टेम्पल जाओ, मैं आपको वहां पर लेके जाऊंगा, मेरे साथ चलो आप। वहां पर चार द्वार है, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सबके लिए ओपन है। महाराज ने कभी तुलना नहीं किया वाहिगुरु। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा आपके जरिए वाहिगुरु, एक अच्छा मैसेज है वो। एक अमर शहीदी मोतीराम मेहरा जी थे, वो कौन थे मालूम है आपको? हिंदू थे वो। उन्होंने अपना परिवार को गन्ने की तरफ पिसवाया, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के दोनों छोटे साहिबजादों को दूध पिलाया। क्या पिलाया? दूध। वो भी इसी महीने में, दिसंबर, वो ठंड में उन्होंने ना अपना परिवार को कुर्बान कर दिए। और एक और सेवादार है टोडरमल जैन, वो कौन थे? हिंदू थे वो। उन्होंने क्या किया, जब वजीर खान जबरदस्ती हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहा था ना मुस्लिम धर्म में, इतिहास बहुत कुछ आप जो बता रहे हमें पता है। वाहिगुरु और गुरुओं की कमाई को यस प्रणाम करते हैं बस। तो मेरा एक ही चीज है वीर, मेरा एक ही चीज है। आपकी हमने बात सुनी, बस yes. जो तकलीफ है फिर हम आपको उसके बारे में आपसे बात करेंगे। डेफिनेटली कुछ भी रहेगा बोलो, लेकिन एक प्रॉमिस चाहिए मेरे को आपसे आज एक प्रॉमिस चाहिए, दोबारा कभी माइक में आप ये स्टेटमेंट नहीं दोगे जो आपने बोला भाई। आपको हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन बस पहले उसकी बात भी आपसे। नो प्रॉब्लम, खुल के जो बोलो, आपके साथ किसी ने भी गलत किया है मैं खड़ा रहूंगा वाहिगुरु मेरे खंडे के साथ, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है? ओके, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
सही बात है, आपसे फिर हम बात करेंगे और फिर आप जो प्रॉमिस लोगे और हम आपसे जो प्रॉमिस लेंगे। कोई बात नहीं वाहिगुरु, एवर रेडी, कभी भी वाहिगुरु, मैं खुद आऊंगा रेवा आपसे मिलने वाहिगुरु। कोई बात नहीं सर, मैं आउट ऑफ रीवा है, अच्छा महाराष्ट्र में यात्रा में है। ओके, और जैसे ही हम फ्री हो के आपसे, जैसे ये मेरा नंबर है वाहिगुरु, ये मेरा नंबर है, आप मेरे को फोन कर सकते हो, मेरा एक फेसबुक पे पेज है आपके पास, जल्दी उसका लिंक भी आ जाएगा वाहिगुरु, क्योंकि ये मैसेज जो मेरे पास आया ना, मेरे पास लोगों ने भेजा ना, मेरे को जवाब बोला था, मेरे को जवाब चाहिए, तो आपने जो जवाब दिया है वाहिगुरु बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना आपके जरिए एक अच्छा मैसेज जाएगा, तो मैं आपका भी एक मैसेज दूंगा वाहिगुरु जी, ये एक वीडियो के जरिए कि वाहिगुरु मेरे वीर आप ना कभी नेक्स्ट टाइम हम अपन तो मिलेंगे वाहिगुरु, प्रॉमिस होएगा ही, लेकिन इतना राज करेगा खालसा, ये महाराज ने बख्शा है, और महाराज ने बख्शा है तो वाहिगुरु आएगा सिर्फ शुद्धता का राज, जहां पर सबको इक्वालिटी में देखा जाएगा, कोई अलग नहीं। हमारे पास जो हमको कहने के लिए जो बातें आज हम नहीं कह रहे आपसे, कोई बात नहीं, अभी हम स्थिति में सुनो आपसे, अपनी आपने आज अपनी बात बताई, यस, और हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने सामने से बात अपने देखिए, हाँ जी, बात करने से कम्युनिकेशन जब बनता है, यस, तो कहीं ना कहीं समस्या के समाधान निकलते हैं। ट्रू 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 ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, आपने बात की बहुत अच्छा लगा, अब हम आपसे अभी किसी दिन अच्छे में एकांत में हम अपनी बात भी आपसे, डेफिनेटली भाई गुरु, हम लोग कोई अलग नहीं, यस, yes. तो वही है और हम भी वही है, यस यस, अलग नहीं है, गुरु नानक जी हमारे रग रग में बसे हुए हैं, गुरबाणी हमारे रग रग में बसे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत ताप पला, वाहिगुरु बहुत अच्छा लगा वाहिगुरु आपसे बात करके, ठीक है, ध्यान रखो वाहिगुरु, आपसे बात करेंगे जैसे फ्री हो गए, डन डन डन, अच्छी खुली खुली दिमाग से समझेंगे, डन डन वाहिगुरु, डन 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, ध्यान रखो अपना, ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो 14 जंगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लड़ा ना, 14 जंगे, ये अष्टभुज वाहिगुरु जो महाराज का एक निशान जो बुड्ढा दल फौज को दिया, ये नीला दस्तार नीले घोड़े पे विराजमान उस महाराज ने कहा है, राज करेगा खालसा, आखी रहना कोई बाकी नहीं, कुवार हुए सो रड़ेंगे, यानी जितने भी गलत जो पाप करते ना वो लोग रड़ेंगे, जैसे एक उदाहरण एक तरफ से कि जानवरों के साथ में जो जा रहा है वाहिगुरु, ये जानवर जानवर को जिस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, जानवर है वो, ऐसा कोई इंसान से काम नहीं कराता लेकिन जानवर से कराते काम, तो वो ये उदाहरण, वो उदाहरण डिफरेंट है लेकिन एक एग्जाम्पल शॉर्ट सा कि जो गलत करते जैसे गंगू सुच्चानंद ये सब पंत के धोखा, पंत को जिन्होंने धोखा दिया ना, इन लोग सब रड़ेंगे तब है राज करेगा खालसा, इतना उसका जो महाराज ने जो वचन दिया ना, अगर इस वचन को कोई तोड़ मरोड़ेगा वाहिगुरु, अभी इनसे बात किया वाहिगुरु बहुत अच्छा लगा, समझ गए, क्योंकि शायद कोई मतलब बताने वाला ना हो तो वाहिगुरु हमारा फर्ज है जब कोई ऐसा खालसा पंत या कोई महाराज ने जो वचन दिया है उसके बारे में कोई अगर काट फूट के अगर कुछ करे तो मेरा फर्ज है मैं उसको फोन पे मैं बात करके, और रही बात मेरा नाम ना, महाराज ने दिया है मुझे, कोई वजूद नहीं है मेरा, महाराज महाराज का थापड़े के बिना मैं कुछ भी नहीं है, और आखिरी क्षण तक मैं अगर कुछ भी रहूं ना तो मेरे ये गुरु की वजह से हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं इनके थापड़े से वाहिगुरु इसी पंजाब के मिट्टी पे खालसा राज आया, बंदा सिंह बहादुर तंत्र मंत्र माधवदास बैरागी पांच तीर इसी दसम महाराज का थापड़ा, तो वाहिगुरु मैं गलत काम कभी नहीं कर सकता वाहिगुरु, और रही बात ये फेमस या ये कुछ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वाहिगुरु, जिसको सही लगता है देखो, जिसको नहीं सही लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ वाहिगुरु लाइक करो सब्सक्राइब करो फॉलो करो, मैंने जिंदगी में बोला नहीं ना कभी मैं बोलू, लेकिन इतना इसी दसम महाराज के लिए एक दिन शीश समर्पित करूंगा वाहिगुरु, जब तक मैं जिंदा हूं इन्हीं के लिए जीऊंगा, इन्हीं के लिए मिटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और इन्होंने बहुत प्यार से बात किया मुझे अच्छा लगा वाहिगुरु, एक भाई है मेरे कोई दुश्मन नहीं है, अगर कोई खड़ा रह गया ना मेरे सामने मेरे महाराज का अगर वचन को काट कर छाती तान कर खड़ा दिखाना मेरे को झटकाऊंगा मैं आज्ञा दसम महाराज से लेके, बाकी सब कुछ वो पिता कराता है क्योंकि बाणी गुरु गुरु है बाणी वाहिगुरु, बाबा दीप सिंह जी वाहिगुरु शहीद बाबा दीप सिंह जी, ये सब सूरवीर जोत देना वाहिगुरु,
इन्हीं के लिए जीना है, इन्हीं के लिए मिटना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी सब कुछ वो पिता कराता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।